हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाला KR वर्सेस MUR टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 8 आवर्स 54 मिनट्स हैं। इंडिया का टाइम का आंसर देखा जाए तो आज शाम 5:30 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। @JOFantasy सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया दोस्तों, इस दोनों अकाउंट में आप भूल से भी ज्वाइन मत करना, जिसमें 1047 सब्सक्राइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वायलेट कलर का JF है दोस्तों उसी पर आप ज्वाइन करना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा, आप हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ वो मेरे टेलीग्राम चैनल कवर करवा देगा। इसी तरह आपको भी विन करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप माई मास्टर 11 में खेलेंगे दोस्तों तब 100% ईजिली मनी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि माई मास्टर 11 एक न्यू ऐप है दोस्तों। इसमें लो कंपटीशन होता, आप मनी भी ईजिली अर्न कर सकते हैं। माई मास्टर 11 का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते ही शो हो जाएगा, आप तुरंत डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले डिफेंडर्स में देखा जाए तो मैंने 3 डिफेंडर्स को पिक करूँगा, एन कुमार, एच कड़िया और ए कुमार को। पूरा मैंने 3 डिफेंडर्स को पिक करना है। सो तीनों डिफेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों डिफेंडर्स का लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात करा जाए तो एन कुमार ने लास्ट मैच में 1 टैकल किया था दोस्तों और 4 अनसक्सेसफुल टैकल किया था दोस्तों। लास्ट मैच में एन कुमार फ्लॉप है दोस्तों, लेकिन एन कुमार एक इंपॉर्टेंट डिफेंडर, आप इनको 100% पिक कर लेना। एन कुमार ने लास्ट मैच में 1 ही टैकल पॉइंट किए हैं। और हेच कड़िया के बारे में बात करें तो हेच कड़िया ने भी लास्ट मैच में 1 ही टैकल पॉइंट किया दोस्तों और 1 अनसक्सेसफुल टैकल। लास्ट मैच में टोटल लिखा इनका 1 ही टैकल है दोस्तों एस कड़िया को। और ए कुमार के बारे में बात करें तो ए कुमार ने लास्ट मैच में 3 टैकल पॉइंट किया दोस्तों और 1 अनसक्सेसफुल टैकल। लास्ट मैच में इनका टोटल 3 टैकल पॉइंट किया दोस्तों। मैंने 3 डिफेंडर्स को पिक किया दोस्तों, तीनों डिफेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों डिफेंडर्स को आप 100% पिक कर लेना। तीनों डिफेंडर्स का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने आर नानी को पिक करूँगा। आर नानी एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है दोस्तों, आप इनको 100% पिक कर लेना। कमाल का राइडिंग करते हैं, कमाल का डिफेंस भी करते हैं। इनका लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात करें तो नानी ने लास्ट मैच में 4 टैकल पॉइंट किए दोस्तों, कमाल का किए हैं लास्ट मैच में डिफेंस, 4 टैकल पॉइंट और 4 अनसक्सेसफुल टैकल किए थे दोस्तों। इनका टोटल टैकल पॉइंट लास्ट मैच में, राइडिंग तो नहीं किया था दोस्तों, लास्ट मैच में 4 टैकल पॉइंट किए हैं। कमाल का ऑलराउंडर है दोस्तों, आप इनको 100% पिक कर लेना। आर नानी को एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, मैंने एक ऑलराउंडर को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया, आप इनको 100% पिक कर लेना। अब राइडर्स में देखा जाए तो मैंने पी कौशिक को पिक करूंगा और एस चेरी को और एम कुमार को। पूरा मैंने 3 राइडर्स को पिक कर लिया, सो तीनों राइडर्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप तीनों राइडर्स को 100% पिक कर लेना। तीनों राइडर्स का लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात करें जाए तो कौशिक ने लास्ट मैच में 3 राइड पॉइंट लिया था दोस्तों और 5 अनसक्सेसफुल राइड किए थे और 2 अनसक्सेसफुल टैकल। इनका टोटल पॉइंट लास्ट मैच में 3 ही है दोस्तों, 3 ही राइड पॉइंट लाए थे दोस्तों, लेकिन लास्ट मैच में फ्लॉप है दोस्तों कौशिक, लेकिन एक इंपॉर्टेंट राइडर है, आप इनको 100% पिक करना। और एस चेरी के बारे में बात करें तो एस चेरी ने लास्ट मैच में 6 राइड पॉइंट लिया, सोलह राइट पॉइंट लिया था दोस्तों और 5 अनसक्सेसफुल राइड किए थे। एक इंपॉर्टेंट राइड है दोस्तों एस चेरी, आप इनको 100% पिक कर लेना। लास्ट में 16 राइट पॉइंट लिया दोस्तों, टोटल पॉइंट इनका लास्ट में 16 पॉइंट है दोस्तों, कमाल का राइडर है दोस्तों एस चेरी, आप इनको 100% पिक कर लेना। और एम कुमार के बारे में बात करें तो एम कुमार को लास्ट मैच में 0 पॉइंट दोस्तों, 1 पॉइंट भी नहीं लाए थे लास्ट मैच में, 2 अनसक्सेसफुल राइड किया था दोस्तों और 1 अनसक्सेसफुल टैकल, लेकिन एक इंपॉर्टेंट राइडर है दोस्तों एम कुमार, इनको 100% पिक कर लें। लास्ट मैच में फ्लॉप है दोस्तों, लेकिन एम कुमार एक इंपॉर्टेंट राइडर है। मैंने राइडर्स में 3 राइडर्स को पिक किया हूँ, तीनों राइडर्स का स्टैट्स भी बता दिया, तीनों राइडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों राइडर्स को 100% पिक कर लेना। अगर डिफेंडर में देखा जाए तो मैंने 3 डिफेंडर को पिक किया, ऑलराउंडर में 1 ऑलराउंडर को, राइडर्स में
तीन राइडर्स को, पूरा मैंने 7 प्लेयर को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करा जाए तो मैंने कैप्टन में बनाऊँगा एस चेरी को और वाइस कैप्टन में आर नानी को। दोस्तों एक बार मेरा टीम को देख लीजिए, मैंने डिफेंडर्स में 3 डिफेंडर्स को पिक किया, ये कुमार को और एच कड़िया को और एन कुमार को, और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने एक ऑलराउंडर को पिक किया आर नानी को, और राइडर्स में देखा जाए तो मैंने 3 राइडर्स को पिक किया एस चेरी और एम कुमार और पी कौशिक को, मैंने कप्तान में बनाया एस चेरी को और वाइस कैप्टन में आर नानी को। दोस्तों ये मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको ये टीम दिखाई दे रहे हैं आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।